हेलो फ्रेंड्स, पब्लिश इन पैरिश को यूज़ करते हुए इसके एक एप्लीकेशन का मुझे बहुत अच्छा यूज़ समझ में आया। कई बार हम अकेडमिशियंस जब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं और हमसे इंटरव्यू में कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ योर अकेडमिक इम्पैक्ट, तो हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि अकेडमिक इम्पैक्ट, हमने पेपर पे काम किया, हमारे पेपर्स के कुछ साइटेशन है, मेरा एच इंडेक्स ये है। अकेडमिक इम्पैक्ट को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये पब्लिश एंड पेरिश जो है, अगर हम इसमें ऑथर प्रोफाइल सर्च करें तो हम अपना या किसी भी स्कॉलर का या किसी भी प्रोफेसर का एकेडमिक इम्पैक्ट्स देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ गूगल प्रोफाइल, गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। मैं यह क्लिक करता हूँ, ये मुझे कह रहा है फाइंड प्रोफाइल। फाइंड प्रोफाइल के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली अपना नाम लिखा हुआ है और मैं इसको सर्च करता हूँ। इसने मुझे दो अलग अलग इम्पैक्ट्स, दो अलग अलग प्रोफाइल दिखाए। पहला प्रोफाइल भी मेरे नाम का है, दूसरा प्रोफाइल भी मेरे नाम का है। इसको शायद कहीं कुछ कंफ्यूजन है। इसने क्या किया, दो अलग अलग, ये किसी के भी नाम में आपको हो सकता है कई बार अलग अलग प्रोफाइल बने होते हैं। तो मैं ये फर्स्ट प्रोफाइल, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने काम के लिए और ओके। तो ये मुझे मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी साइटेशंस हैं, जो भी पेपर्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है गूगल स्कॉलर के पास, वो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे देगा। कई बार ये देखिए, जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर जो पेपर है, इसको टोटल 15 साइट्स मिल चुके हैं। 2015 में ये पब्लिश हुआ था, इफेक्ट ऑफ इंटेल मार्केटिंग एंड होटल्स। 2015 के बाद दूसरा जो पॉपुलर आर्टिकल है वो 2016 से है, इसको भी 10 साइटेशन मिल चुके हैं। 2.5 पर ईयर के हिसाब से ये साइटेशन का काम चल रहा है। तो ये आप देखेंगे कि जो 2015 के बाद वाले जो पेपर्स हैं, इनके साइटेशन अच्छे मिल रहे हैं। उससे पहले के जो पेपर्स हैं, जब शायद मैं रिसर्च स्कॉलर था, मैं स्टूडेंट था, उसके पहले के जो मैंने पेपर लिखे होंगे वो शायद ज्यादातर उसमें से ट्रायल पेपर्स रहे होंगे। 2010, 2011, 2012, इस तरह के पेपर्स को, पुराने पेपर्स को कोई साइटेशन नहीं मिल पाए हैं। उस समय मेरा शायद आउटरीच कम था, वॉट एवर इज द रीजन। अब मैं इस ग्राफ को, मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता हूँ वॉच व्यूअर के लिए। मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अगर अपने प्रोफाइल की बात करूंगा तो, लेकिन किस तरह के जर्नल से मेरे पब्लिकेशन हुए हैं, क्या टाइमलाइन मैं इसको देख के क्रिएट कर सकता हूँ कि कब मेरा पहला पेपर हुआ, अच्छा पेपर पब्लिश हुआ, कब मेरे स्कोपस इंडेक्स पेपर पब्लिश हुआ, कब मेरा जो पेपर पब्लिश हुए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज करते हुए, मैं एक टाइमलाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए, पब्लिकेशन ईयर, सबसे पहला मेरा पेपर 2010 में पब्लिश हुआ था, तो टोटल 10 साल हो गए। साइटेशन ईयर भी 10 साल हो गए मुझे, 20 10 2010 से 2020 तक मुझे साइटेशन मिले हैं, है ना। टोटल पेपर्स मेरे 52 हैं, साइटेशंस 68 हैं। पर ईयर अगर देखें तो 6.80 साइटेशन मुझे मिल रहे हैं। साइट पर पेपर इज 1.31 मुझे मिल रहे हैं। ऑथर पर पेपर इज 2.85, मतलब हर एक पेपर में मेरे लगभग लगभग तीन ऑथर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी तीन ऑथर है, यहाँ पे भी तीन ऑथर है, यहाँ पे सिंगल ऑथर हूँ, फिर से तीन आ गया, फिर से वन आ गया, कहीं पे चार भी होंगे, कहीं पांच भी होंगे, इसलिए 2.85 दिखा रहा है। एच इंडेक्स देखें तो 5 है, मेरे पांच पेपर्स को हर साल साइटेशन मिलता ही मिलता है। ये वो टर्म्स है जो पब्लिशन पैरिश ने, जो प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसर्स ने अपने को जो इंडेक्सेस दिए हैं, इनको अपन बाद में डिटेल में कभी चर्चा करते हैं। तो मैं इसका एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ इसको। अगर आप देखेंगे, सेव एज CSV, बिबटेक्स, एंड नोट, जेसॉन, RIS, APA में सेव करना है, कौन से फॉरवर्ड फॉर्मेट में मुझे सेव करना है। तो अगर मैं इसे एक्सेल में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं CSV में जाता हूँ। CSV ये मुझसे कह रहा है, टेक्स्ट CSV फाइल में ये ओपन करने के लिए कह रहा है। ये देखिए, मैं RPS की टेक्स्ट CSV फाइल, RPS प्रोफाइल को सेव करने की कोशिश करता हूँ टेक्स्ट CSV फाइल में। अब कैसे इस फाइल को एक्सेल में यूज करेंगे, एक्सेल में ओपन करेंगे, ये भी देख लेते हैं। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो ये आपसे पूछता है फाइल ओपन करने करना है, ओपन अदर वर्क बुक, क्योंकि वो पहले से नहीं ओपन हुई होगी तो उसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं किया जा सकता। डाउनलोड्स में जाते हैं, यहाँ पे एक CSV फाइल मुझे दिख रही है, ऑल एक्सेल फाइल सिलेक्टेड है, क्योंकि मैं इसको ऑल फाइल्स कर देता हूँ।
तो ये मुझे RPS प्रोफाइल CSV फाइल दिख गई। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मुझे इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि डिलिमिटेड है या फिक्स्ड रो है हर एक रो का, तो मैं डिलिमिटेड यहाँ पे टैप करता हूँ क्योंकि डिलिमिटेड मैंने कॉमा से लगा रखा है। टैब डिलिमिटेड है या कॉमा डिलिमिटेड है, तो मैं इसको बताऊंगा कि ये कॉमा डिलिमिटेड है। देखिए अगर कॉमा डिलिमिटेड नहीं बताऊंगा तो ये देखिए टैब डिलिमिटेड किस तरह से यूज कर रहा है। तो टैब मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा और कॉमा डिलिमिटेड कि जहां भी कॉमा आएगा वहां से उसको फाइल को सेपरेट करना है। नेक्स्ट ये बता रहा है कि भाई ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। मैं सारा इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डाउन करके एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ कि भाई ये सारा सारा कुछ एक्सेल फाइल में ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके फिनिश करते हैं। ये देखिए मुझे मेरे साथ में कितने ऑथर्स ने काम किया है, कौन से पेपर्स हैं, उनके कितने साइटेशंस हैं। तो कभी आप अगर इंटरव्यू में जाना चाहते हैं हर एक पेपर के साइट पर ईयर, ये जो देखिए आप साइट पर ऑथर, साइट पर ईयर, ऑथर काउंट, उसकी पेपर की एज कितनी है, कितना पुराना पेपर हो चुका है, तो ये सारी चीजें मुझे आसानी से मिल जाती हैं जब भी मैं इसे एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो इस हिसाब से मैं अपने किसी भी अच्छी जगह जाने के लिए कभी किसी अच्छे प्लेस पर अगर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो उसमें से यूज कर सकता हूँ। ये मुझे मेरे कीवर्ड्स भी दिखाता है, देखिए इंटरनल मार्केटिंग, डेस्टिनेशन मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विसेज मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। ये देखिए मुझे 2000, ये मेरी टाइमलाइन हिस्ट्री भी दिखाता है। मैं इस पर चार्ट भी बना सकता हूँ। अगर मुझे बोला गया है कि आप अपने बारे में प्रेजेंटेशन दीजिए, तो भाई ये ईयर है 2012 में मेरा एक नया पेपर था, टोटल 4 पेपर हो गए। 2013 में फिर से एक नया पेपर आया, टोटल 5 हो गए। फिर 4 पेपर नए आए, 2015 में 5 पेपर नए आए, 16 में 2 पेपर, 2017 में 14 पेपर नए आए, 2018 में 15 पेपर नए आए, 2020 में 19 में 20 पेपर नए आए, 2020 में 3 पेपर नए हैं। इस तरह के कई सारे टूल्स को यूज करके कभी मुझे मेरे बारे में प्रेजेंटेशन बनाना है, कभी मुझे मेरे को अपने आप के बारे में दुनिया को समझाना है, तो वो भी यूज कर सकता हूँ। सो आई होप दिस टूल विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग इंटरव्यू एंड सेवरल अदर प्रेजेंटेशंस। थैंक यू वेरी मच।